आइए अब शेयर बाजार का हाल आपको बताएं। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारी उतार चढ़ाव के बीच बाजार सपाट बंद हुए। निफ्टी 6 अंक गिरा 24,145 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 9 अंक चढ़कर 79,496 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 351 अंकों की बढ़त दिखी हमें 51,876 पर, यहाँ क्लोजिंग देखी गई। बाजार में आज के तमाम इंपॉर्टेंट एक्शन के लिए हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से जानकारी लेते हैं। देखिए, बहुत वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। शुरुआत काफी कमजोरी के साथ हुई थी, हालांकि अगर आप ग्लोबल सेटअप देखें तो हर लिहाज से काफी बढ़िया था, लेकिन इसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत गिरावट के साथ हुई, लेकिन उसके बाद दिन के दौरान एक रिकवरी का प्रयास और फिर आधे एक घंटे में अगर आप देखें तो दोबारा बैक टू पवेलियन, फिर से आपको गिरावट देखने को मिली। सेंटिमेंट्स अगर आप देखें तो काफी हद तक कमजोर हो गए हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो SIP के आंकड़े निकल के आए या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो इनफ्लो आउटफ्लो के आंकड़े निकल कर आए, उसके बाद भी अगर आप देखें तो बाजार में कोई बड़ा चेयरअप आपको देखने को नहीं मिला। बात करें अगर आप निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों की, तो ऑफ फ्लोज हुआ ट्रेंड। इन्फोसिस, HCL टेक, चुनिंदा IT स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर दिन के दौरान पूरे खरीदारी का रुझान देखने को मिला। इसके अलावा पावर ग्रिड में भी बढ़िया तेजी रही, लेकिन एशियन पेंट्स आज का एक्सीडेंट, क्योंकि बहुत खराब नतीजे अनुमान से काफी कमजोर, तो बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली। अपोलो हॉस्पिटल है, सिप्ला, यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, लेकिन वायदा बाजार के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बड़े मूव्स देखने को मिले। PFC की बात करते हैं तो यहां पर 8% का बड़ा मूव। शुक्रवार को बाजार बंद होने से कुछ ही मिनटों पहले यहां पर नतीजे आए थे और ओरेकल फाइनेंस में खरीदारी देखने को मिली। आरती इंडस्ट्रीज अगेन बहुत ही ज्यादा कमजोर नतीजे, तो 8-10% का कट यहां पर आपको देखने को मिला। UPL में भी आप देखें तो कमजोर नतीजों के बाद बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कैश का स्टॉक है, अच्छे नतीजे, बड़ा मूव यहां पर देखने को मिला। बायोकॉन में खबरों के बीच अच्छी तेजी रही, ITI है, InfoEdge है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इन स्टॉक्स में आपको एक्शन देखने को मिला। वहीं बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो GTND, E-Clerks, JSW एनर्जी, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर बड़े मूव रहे, लेकिन गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो MapMindia, V-Mart और Advanced Enzymes, ये कुछ ऐसे स्टॉक रहे जहां पर गिरावट के साथ आपको क्लोजिंग देखने को मिली।